71वें गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय से ध्वजारोहण किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहना है 71वें गणतंत्र दिवस पर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? भारत के गणतंत्र के 70 वर्ष पूरे हुए और 71वें में प्रवेश किया। मैं सबसे पहले समस्त प्रदेशवासियों को भारत के इस स्वाभिमान के पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करते हुए कि जिस तरीके से देश में एक समर्थ सरकार चल रही है, जिसने इस देश के बुनियादी मसलों का समाधान करते हुए दुनिया में भारत को गौरव दिलवाया, मैं गौरव कर सकता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा मानव संसाधन, बड़ी आबादी का देश लेकिन विभिन्नताओं में एकता का देश, आज वो देश जो किसी समय मुगलों की अंग्रेजों की गुलामी से संघर्ष करके फिर से उठ खड़ा हुआ और जिसने भारत के संविधान को, लोकतंत्र को मजबूती दी, और आज वो बदलाव साफ तौर पर दिखाई देता है कि देश अब राष्ट्रवाद की तरफ प्रवृत्त होता हुआ देश के मुद्दों के साथ, जमीनी मुद्दों के साथ साथ दुनिया में भारत का गौरव कैसे बढ़े, इस दिशा में हमारा लोकतंत्र काम कर रहा है, भारत की सेना। लेकिन मैं इस गणतंत्र के पर्व पर उन नाम और अनाम शहीदों को कैसे भूल सकता हूं कि जिनकी बदौलत इस देश को न केवल आज़ादी मिली वरन इस देश का लोकतंत्र भी संरक्षित हुआ, पोषित हुआ। इसलिए एक बार फिर से मैं इस मुबारक मौके पर भारत के उत्कृष्ट संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए और भारत के तमाम लोगों को, प्रदेश के तमाम लोगों को गणतंत्र दिवस की खूब शुभकामनाएं देता हूं। एक सवाल हो रहा है मेरा, 71वां गणतंत्र दिवस देश मना रहा है, देश आजाद देश के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, वो अभी भी ऐसे बोलते हैं कि हमें आजादी चाहिए, और विशेषकर जब भी बीजेपी सरकार होती है 2 साल 5 साल बाद में फिर देख रहे हैं अभी फिर आजादी चाहिए, किस चीज की आजादी चाहिए? देखिए, इस तरीके के लोग हैं, अभी कुछ कीटाणु अभी बाकी हैं देश में, लेकिन उनको आज़ादी चाहिए थी, वो कैद हैं आज, या तो घरों में कैद हैं या जेलों में कैद हैं, या फिर उनको आज़ादी भारत की फौज देती है। जब अवसर आता है तो किसी भी एकदम जवान जाबाज के बुलेट निकली हुई, बंदूक से निकली हुई गोली उनको पूरी आज़ादी दे देती है। हमने देखा इस बात को कि एक समय था जब इन्हीं अतिवादियों के पत्थर भारत के जवानों के सीनों पर पड़ते थे, लेकिन अब समय बदल गया, या तो बिलों में दुबक गए या विदाई ले ली, या मुझे लगता है कि वो अंतिम यात्रा की तरफ चल पड़े हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं कि इस तरीके के नारे लगाने वाले लोग इस देश में बहुत लंबे समय तक रहेंगे। प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, तो हाल ही में परसों जो रैली हुई सीए को लेकर, उस रैली में भी ऐसे कुछ नारे लगे, कुछ माइनॉरिटीज के द्वारा लगे, कुछ ऐसे लोग भी थे वहाँ पे, उनके द्वारा ऐसे नारे लगाए जा रहे थे। देखिए, ये नारे केवल एक पार्टी के लोग या ऐसे लोग जिनको इस देश से प्रेम नहीं है, वंदे मातरम से अनुराग नहीं है, जिनकी भारत के संविधान में निष्ठा नहीं है, वो इस तरीके के नारे अपने वोट बैंक के लिए लगाते हैं, पर वो वोट बैंक भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लोगों में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई, इस देश के जाए जो इस देश में खाते हैं, इस देश की गाते हैं, वो किसी भी मजहब और पंथ का होगा, वो तो निश्चित रूप से भारत से प्रेम करेगा, लेकिन इसके अलावा जो लोग भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं, वंदे मातरम का परहेज करते हैं और जो भारत माता के जयकारे से परहेज करते हैं, मुझे लगता है कि जो देश को टुकड़े करने की बात करते हैं, अब मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में 14 से 19 और 19 से 24 तक और 24 के बाद जब शासन आएगा तो इस तरीके के कीटाणु भी खत्म हो जाएंगे। हमारे साथ प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, और इनका कहना है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये सारे जो उनको आज़ादी चाहिए ऐसे कुछ बोलने वाले लोग हैं, ये कीटाणु खत्म हो जाएंगे। और वहीं उन्होंने आज प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की 71वें गणतंत्र दिवस की शुभकामना भी दी है। कैमरा पर्सन अमित पारिक के साथ हेमंत शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।